सिंधिया के महल पर कांग्रेस की नजर, जनता को सौंपने का प्लान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। कांग्रेस और ज्योतिरादित्य सिंधिया का रिश्ता बहुत पुराना है, लेकिन पहले की तरह अब ये रिश्ता दोस्ती का नहीं बल्कि राजनीतिक दुश्मनी का बन गया है। और ऐसी दुश्मनी कि अब कांग्रेस ने सिंधिया के महल को पब्लिक प्लेस बनाने की तैयारी कर ली है। अब कांग्रेस की नजर सिंधिया के महल पर है। सिंधिया के महल को जनता को सौंपने की तैयारी कांग्रेस की तरफ से चल रही है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। अब देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया राजघराने से आते हैं, इसलिए महाराजा के महल की खूब चर्चा होती है। अब इसी महल को कांग्रेस जनता को देना चाहती है, जिसको लेकर कांग्रेस ने सिंधिया को चेतावनी दी है। कांग्रेस नेता राज बब्बर ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा है। राज बब्बर का एक बयान इस वक्त चर्चा में है। राज बब्बर ने ग्वालियर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आती है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल को चौपाटी बना दिया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि आम लोग भी महल को देख सके, वहां जाकर घूम फिर सके। वहीं इसके आगे उन्होंने कहा, गरीबों ने महल नहीं देखे हैं। जब कांग्रेस सरकार में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा तो लोग महल भी देखने जाएंगे, क्योंकि महल है तो जनता और ग्वालियर का ही, इसलिए जनता महल में जाएगी और वहां पर मजे से चाट खाएगी। पर्यटन के बारे में कह सकता हूं कि बहुत सारे हम जैसे गरीब लोगों ने महल नहीं देखे हैं। पर्यटन में जो लोग आएंगे वो महल तक भी जाएंगे, महल को देखने जाएंगे, क्योंकि है तो जनता का ही ना, ग्वालियर का ही है ना सब कुछ। तो ग्वालियर की जनता जब चाहेगी तो पर्यटन के लिए वहां भी जाया करेगी और वहां पे जाके बाकायदा मजे के साथ में वहां पर चाट खाएगी, फिर वहीं पे दोने फेंक के आएगी। ये सब होने वाला है, क्योंकि जब जनता तय कर लेती है तो अच्छी तरह से तय करती है। तो सुना आपने, किस तरह से कांग्रेस नेता ने ऐलान कर दिया है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सिंधिया के महल को जनता को सौंप दिया जाएगा, यानी पब्लिक प्लेस की तरफ इशारा है। हालांकि सिर्फ राज बब्बर ने ही नहीं, कांग्रेस के अन्य नेता भी लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साध रहे हैं। सिंधिया को गद्दार करार देते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा था कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस को धोखा देकर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। अब बात करें सिंधिया के महल की, तो उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। सिंधिया का महल, सिंधिया के पास एक बहुत ही बड़ा और खूबसूरत महल है। सिंधिया का ये महल उनके पूर्वजों का है, जो कि राजा महाराजा थे। इस महल का नाम जय विलास पैलेस है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का महल 12,40,771 वर्ग फुट में बना हुआ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को यह महल उनके दादा जिवाजी राव सिंधिया से विरासत में मिली है। सिंधिया का महल 3 मंजिला है, जिसमें 400 कमरे बने हुए हैं। इनमें से 35 कमरों में म्यूजियम बना हुआ है और इसी महल पर कांग्रेस की नजर है और कांग्रेस इसी के एरिया को जनता को सौंपने का प्लान बना रही है। फिलहाल अंत में आपको सुनाते हैं राज बब्बर का पूरा बयान। उनके बयान पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर्यटन के बारे में कह सकता हूँ कि बहुत सारे हम जैसे गरीब लोगों ने महल नहीं देखे हैं। पर्यटन में जो लोग आएंगे वो महल तक भी जाएंगे, महल को देखने जाएंगे, क्योंकि है तो जनता का ही ना, ग्वालियर का ही है ना सब कुछ। तो ग्वालियर की जनता जब चाहेगी तो पर्यटन के लिए वहां भी जाया करेगी और वहां पे जाके बाकायदा मजे के साथ में वहां पर चाट खाएगी, फिर वहीं पे दोने फेंक के आएगी। ये सब होने वाला है, क्योंकि जब जनता तय कर लेती है तो अच्छी तरह से तय करती है, क्योंकि बहुत फिकाई करी है अब लोग करेंगे। बाकी आप सबसे यही कहूंगा भाई, सीधी साधी बात कही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, बल्कि कम से कम आपके चेहरे देख के, बहुत से पुराने चेहरे यहाँ पर हैं, तो मैंने कहा इनके सामने मैं क्या बोलूँगा, ये तो जो चाहेंगे लिख डालेंगे और इस वक्त लिखेंगे वो ही जो जनता की भावना है। तो जनता की भावना से अरे पर जा नहीं पाओगे, तो इसलिए भाई मैं भी आपसे परे नहीं जा रहा, जो मुझे दिल में आया मैंने कह दिया। धन्यवाद।